हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस नॉलेज बास्केट। स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट वन ऑफ क्लास फोर इंग्लिश विच इज वेक अप, रिटन बाय सी फ्लेचर। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, इस पोएम में पोएट जो है हम सभी को जल्दी उठने के लिए कहते हैं, ताकि हम सभी सुबह फ्रेश मॉर्निंग को और अपने आसपास के सुंदर नेचर को एंजॉय कर सकें। सो लेट्स रीड एंड रिसाइट द पोयम वेक अप। वेक अप, वेक अप, इट्स अ लवली डे, ओह प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। पोएट जो है वो आप सभी बच्चों को कह रहे हैं कि उठ जाओ, जाग जाओ, आज का जो दिन है वो बहुत ही प्यारा है, सुहावना दिन है। पोएट सभी बच्चों को बार बार उठाते हुए कहते हैं कि ओह चलो अब बिस्तर से उठ जाओ, आओ और बाहर खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। बर्ड्स जो है वो पेड़ों पर गा रही हैं और तुम मधुमक्खी की भनभनाहट यानी कि आवाज़ को सुन सकते हो। बेसिकली जो पोएट हैं वो ये कह रहे हैं कि बर्ड्स और मधुमक्खियाँ जो हैं वो उठ चुकी हैं, लेकिन तुम अभी तक सो रहे हो। तुम उठो और ब्यूटीफुल मॉर्निंग को एंजॉय करो। बच्चों, फर्स्ट फोर लाइंस फिर से रिपीट हुआ है। वेक अप, वेक अप, इट्स अ लवली डे, ओह प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। कि उठो, जल्दी उठो और सुबह के मॉर्निंग को, इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग को आप एंजॉय करो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड। अब बहुत लेट हो चुका है बेड पर सोने के लिए, मीन्स कि आप बेड से उठो, बहुत देर हो चुकी है। तुम जल्दी करो यानी कि तुम जल्दी उठो और यू स्लीपी हेड। स्लीपी हेड मीन्स जो बहुत ज़्यादा नींद में हो। तो पोएट कह रहे हैं कि जल्दी उठो, अब बहुत लेट हो चुका है। जैसे कि आप सभी की मम्मी भी बोलती होंगी जब आप मॉर्निंग में स्कूल के लिए जल्दी नहीं उठते होंगे, तो सेम पोएट भी बच्चों को कह रहे हैं कि तुम जल्दी उठो और ये जो ब्यूटीफुल नेचर है, मॉर्निंग का जो टाइम है, उसको इंजॉय करो। सो लास्ट पैराग्राफ है, वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, मीन्स कि अब तुम जल्दी से उठो, सो मत, जल्दी उठो और फ्रेश हो जाओ, नहाओ और ड्रेसअप हो जाओ और बाहर आ जाओ। एवरी वन इज अप एंड अबाउट, मीन्स कि अप एंड अबाउट मीन्स सब लोग उठ चुके हैं और अपने काम में लग चुके हैं। अब तुम जल्दी से उठो, ड्रेसअप हो जाओ, फ्रेश हो जाओ और बाहर आओ। सब उठ गए हैं और अपने अपने कामों में लग गए हैं। अब कौन कौन उठ गया है हम देखते हैं। द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप। फिर पोएट कहते हैं कि कौन कौन उठ गया है। काउ उठ गई है, घोड़ा उठ गया है, बत्तख उठ गया है, भेड़े भी उठ गई हैं। द टाइनीएस्ट चिकन चीप 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 वेक अप। और इन सभी एनिमल के साथ साथ जो छोटा सा चिकन यानी कि जो चूजा है वो भी उठ गया है और वो क्या कर रहा है, चीप चीप करके बोल रहा है, इसलिए अब तुम भी उठ जाओ, अब उठ जाओ, इतने देर तक मत सो, आप ही उठ जाओ। इस पोइम के पोएट है सी फ्लेचर। तो बच्चों, आप इस नेम को लर्न कर लेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में पोएम के पोएट के बारे में भी पूछा जाता है। होपफुली ये पोएम आप सभी को समझ आ गई होगी और आपने ये वीडियो भी इन्जॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर को कवर अप करेंगे। थैंक यू।